हेलो दोस्तों, दीपक किचन में आपका स्वागत है। और आज बनाएंगे चरपनिया भाजी, ये सुनसुनिया भाजी भी कहते हैं। तो इसे हमने अच्छे से साफ़ करके चुन के ले लिया है धो के से। अब इसे बनाना शुरू करेंगे। तो एक कढ़ाई लेंगे, उसमें एक चम्मच तेल डालेंगे, उसे थोड़े से गर्म होने देंगे, ज़्यादा नहीं, और उसमें सीधा भाजी डाल देंगे। ये खाने में काफ़ी टेस्टी होती है भाजी, और छत्तीसगढ़ की एक मुख्य रेसिपी में से है ये। यहाँ की भाजी है, नदी नरवा तालाब में इसे उगाया जाता है। तो इसमें ऊपर में आप दाल डाल देंगे, आपके पास जो भी दाल है उसे धो के इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए। दाल के साथ ये काफ़ी अच्छी लगती है। अब इसे फुल आँच में इसे पकाएंगे, हाई फ्लेम में। तो इसे पलटी करेंगे, ये पक के बहुत थोड़ी सी होती है, अभी दिख रही है बहुत सारी, लेकिन जैसे जैसे ये पकते जाएगी बहुत थोड़ी सी हो जाएगी। तो इसे अब इसमें डालने के लिए टमाटर लेंगे, दो टमाटर ले लेंगे और उसे बारीक कट कर लेंगे। तो हमने दो टमाटर कट कर लिया है, साथ में लेंगे हरी मिर्च, तो मिर्च भी हमने बारीक कट कर लिया है। और मिर्च टमाटर दोनों को इसमें डाल देंगे, जैसे थोड़ा सा कम होगा भाजी पक के उसमें डाल देंगे। तो हमने इसमें डाल दिया, अब इसे मिक्स कर देंगे, क्योंकि टमाटर को भी इसमें इसके साथ गलाना है हमको। तो अब इसे पकने देंगे। तो 15-20 मिनट में देखिए काफ़ी थोड़ा सा हो गया है, ये 5 मिनट करीब और पकाएंगे ये। अब डाल देंगे उसमें नमक। तो नमक इसलिए डाल रहे हैं कि जल्दी से दोनों टमाटर भी और भाजी भी अच्छे से पक जाए और गल जाए। तो नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये इसमें हमें टमाटर गलने का इंतज़ार रहेगा, जैसे ये टमाटर हल्का गल जाता है तो समझिए हमारी भाजी तैयार है। ऐसे तो ये बहुत जल्दी पकती है। तो ये देखिए इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जैसे पकेगा आपको समझ नहीं आएगा, इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन रहता है वो डार्क हो जाएगा। तो अब समझ जाइए कि पक गया है। तो पकने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके तड़का लगाएंगे। तो झटपट एक प्लेट में हम निकाल लेंगे गर्मा गर्म इसे, और इसे फ़ौरन लगाएंगे। तो फ़ौरन लगा लेंगे, उसी कढ़ाई में साफ़ कर लेंगे, सबको निकाल लेंगे। ये साफ हो गया, इसमें फिर 2 चम्मच तेल डालेंगे। हमने इसमें 2 चम्मच तेल डाल लिया और उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे गर्म होता है तो इसमें हमने लहसुन काट के रख लिया था, तो 3 से 4 लहसुन, छोटे से मिर्च और प्याज, हमने एक बारीक प्याज कट करके इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे भूनेंगे। तो इसे अच्छे से हम अच्छे से भूनेंगे कलर इसका गोल्डन होने तक का। तो ये हमारे हो चुके हैं गोल्डन। अब क्या करेंगे, इसमें जो भाजी हमने निकाली थी उसे डाल देंगे। ये देखिए पक के कितनी थोड़ी सी हुई है, ये जब लिए थे तो बहुत सारी थी और पक के आई है बहुत थोड़ी सी हो गई है। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हो गई हमारी भाजी तैयार है, खाने के लिए रेडी है। ये काफ़ी अच्छी होती है, टेस्टी होती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। लेकिन यही है, इसको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आप साफ़ कीजिए। और काफ़ी टेस्टी भाजी है, ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं, इसके क्या नाम से है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपके क्षेत्र में इसे क्या नाम से बोला जाता है। हमारे जगह तो इसे तिनपनिया भाजी या सुनसुनिया भाजी बोला जाता है छत्तीसगढ़ में। तो इसको मैं टेस्ट करके देखता हूँ, एक प्लेट में निकाल लिया, टेस्ट करके देखा हूँ गर्मा गर्म। काफ़ी टेस्टी है खाने में और बहुत अच्छा लग रहा था खा के, मैं इसे ट्राई किया हूँ। तो इसी प्रकार झटपट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मेरे साथ बनिए रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।